बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और जितने भी सिविक लवर हैं, रिबॉर्न लवर हैं, उनकी जो लव है वो आज अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त गाड़ी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि आप देखेंगे तो हैरानी रह जाएंगे। स्पेशली ना सिर्फ गाड़ी आउट क्लास है और टिकटॉक पे मेरा ख्याल 50,000 तक व्यूज़ भी हो चुके हैं ऑलरेडी, और लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं इसका। इसकी सबसे अच्छी बात इसका नंबर है। सारी बातें हम करते हैं, अभी दिखाते हैं आपको गाड़ी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। इस वक्त मैं मौजूद हूं कश्मीर मोटर्स एबटाबाद में। यहां पे मेरी बैग पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको मकदार में हर किस्म की गाड़ी मिलेगी, 4x4s, सेडान्स, हैचबैक्स, जैपनीज, लोकल, सब गाड़ियाँ मिलेंगी। उसी सिलसिले में आज हम आपके लिए एक गाड़ी लेके आए हैं जो के है होंडा रिबॉर्न 2012 मॉडल, सिविक है बेसिकली। और ये आइए सबसे पहले मैं आपको नंबर ही दिखाता हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा था कि ये सबसे स्पेशल गाड़ी है। इसको बदरी नंबर कहा जाता है, 313 इस्लाम में। तो डेफिनेटली इस नंबर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो इस वजह से इसका नंबर भी काफ़ी महंगा होता है, ऑन डिमांड बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ये नंबर। लेकिन इस गाड़ी की कीमत आप सुनेंगे तो आपको बहुत बहुत पसंद आएगा ये नंबर भी और ये गाड़ी भी। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैचलेस है। अलबत्ता ये जो अलबत्ता होता है ना, ये बड़ा डेंजरस होता है। असल बात जो होती है अलबत्ता के बाद आती है। ये कीज़ है मेरे हाथ में, 3 कीज़ के साथ आती है। ये भी इसकी एक ख़ास बात है कि इस गाड़ी के साथ आपको 3 कीज़ मिलेंगी, 2 बिल्कुल अनयूज्ड हैं और 1 यूज्ड की है जो इस गाड़ी के साथ यूज़ होती रही है। और ना सिर्फ ये 313 नंबर है बल्कि इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है, और मज़े की बात रजिस्ट्रेशन की बात चली ही है तो ये फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, अभी तक सेकेंड ऑनर भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो नंबर प्लेट का हिसाब देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी टचेंगे जो कि ऑफकोर्स आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन बताना फ़र्ज़ है कि यहाँ से इस गाड़ी की टचेंगे। बाकी जो है ये अलबत्ता वाली बात की बात है कि यहाँ यहाँ से टचेंगे, बाकी गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है। अलॉय रिम इसके अगर चेक करें, गुड ईयर्स के इसमें टायर लगे हुए हैं, अलॉय रिम नीट एंड क्लीन कंडीशन में, ठीक है। यहाँ छत पे इसके आपको नज़र आएगा सनरूफ, जो अभी हम टेस्ट करेंगे कि काम भी करता है कि नहीं करता। इंटीरियर ज़रा मुलाहिजा कीजिए, बहुत शानदार बेज कलर में, बल्कि डुअल इसका टोन आपको मिलेगी इंटीरियर में, बेज और ब्लैक कलर में, शानदार। दरवाज़ों की हालत आप देख सकते हैं, क्योंकि एक ही बंदे के हाथ में रही है तो बड़े तरीके से सलीके से चलाई गई गाड़ी है ये। ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो है, बाकी सारे पावर्ड हैं। आपको स्टेयरिंग व्हील जो है एडजस्टेबल मिल जाता है, आपकी जो सीट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैनुअली ओनली। मैं गाड़ी में बैठ के बता देता हूँ आपको यहाँ से इसकी एडजस्टेबिलिटी का, यस, टेलीस्कोपिकली भी आप इसे कर सकते हैं, और अप डाउन तो वैसे भी हो ही जाता है। दरवाजे में थोड़ी सी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे स्पीकर एक अदर यहाँ मिलेगा, ये डिफरेंट कलर में आपको इसकी ट्रिम मिल जाएगी, ठीक है। डुअल टोन में आपको डोर मिलेगा विद आर्मरेस्ट, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आपको मिलेगी, ठीक है। बोनट आप वहाँ से खोल लेंगे, और कॉइन्स रसीदें वगैरह जैसे ये रखी हुई यहाँ पे रख लेंगे। डैश की हालत देखें, बहुत शानदार है, बहुत नीट एंड क्लीन। अब आप दूसरे एंगल से मुझे देख पा रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आप देख पा रहे हैं। इसकी कारपेट की हालत देखें, ठीक है, मैट्स तो धुल जाते हैं, नए भी पड़ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, हर चीज़ प्रॉपरली वर्किंग, और इसमें कोई भी वो जिटर नहीं है ना, बिल्कुल सही है। ये इसका कार्ड इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या है जी, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, इसका गियर लीवर, सॉरी, चार्जर्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी कीमती चीज़। स्टोरेज के मामले में बहुत जगह आपको यहाँ पे मिलेंगी, हालांकि ये टोयोटा का खासा है, लेकिन इन लोगों ने भी अच्छा खासा काम किया है इस पर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा काफ़ी सारा, एक और कंपार्टमेंट जो काफ़ी गहरा है, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप स्टोर कर पाएंगे। मैं पता क्या चेक कर रहा था, यस, यही चेक कर रहा था कि एक्सटेंडेबल है कि नहीं, एक्सटेंडेबल है ये। तो चलिए जी, अब इसका सनरूफ भी मुलाहिजा करते हैं। मैं पहले गाड़ी को कर दूँ स्टार्ट और आपको ये भी बताता हूँ कि कितना चली हुई है।
अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 86,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है अभी तक, जो कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास होती ना ये गाड़ी, हर महीने दो चक्कर तो मेरे लाहौर के लगते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, अभी दरवाज़ा खोला ना तब टी टी कर रही है। अब मैं सनरूफ ओपन करने लगा हूँ, इट्स वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, अब इसका टिल्ट फंक्शन भी देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये वन टच है, ठीक है, खुद ही खुल जाएगा और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। वन टच दबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसे दोबारा आगे करूँगा, ये टिल्ट हो गया। ठीक है, तो इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, बंद हो गया। अब यहाँ से LEDs ऑन होगी इसकी। ठीक है, वैनिटी मिरर यहाँ पे भी है। टोयोटा और होंडा में यही बातें होती थी ना, टोयोटा आपको इतनी चीज़ें ऑफर नहीं करती थी जितनी आपको होंडा करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ग्लब बॉक्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में। अब ये गाड़ी चली हुई है, यहाँ पे आके देखें तो 85,366 किलोमीटर ये गाड़ी अभी तक चल चुकी है। सो क्वाइट लो माइलेज, वो सामने भी आप देख सकते हैं, एक डिस्प्ले आपको सामने मिल जाता है। ठीक है, जिसमें आपको स्पीड वगैरह डिजिटली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। व्हाट एल्स इन द फ्रंट, नथिंग। यहाँ पे वेरी गुड, कभी भी ड्राइवर को देते नहीं है यहाँ पे, नई गाड़ियों में स्पेशली आपको नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी में आपको मिलेगा चारों दरवाज़ों के साथ। दरवाज़ों की बात हो ही रही है तो यहाँ पे भी साइड पे LEDs लगी हुई हैं। ठीक है, इस साइड पे भी लगी हुई है, डेफिनेटली लगी हुई है जी। चलें पीछे भी चल के देखते हैं जी क्या सीन है। खुला डुला रूम आपको मिलेगा, पीछे भी दरवाजे नीट कंडीशन में आपको मिलेंगे। उसमें भी स्टोरेज कंपार्टमेंट थोड़ा सा मिल जाएगा, दरवाज़ों में भी सीट पॉकेट्स यहाँ पे एक जगह पे मिलेंगे, दूसरी जगह कंजूसी दिखा गए। और यहाँ पे ही आपको कोई चीज़ें वगैरह टांगने के लिए हुक वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे एक हुक मिल जाएगा। अकोमोडेट किया हुआ है दूसरे पैसेंजर को भी इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलता है इसका आर्म रेस्ट, आ जाओ भाई। और व्हाट अ गुड थिंग टू हैव, बैक पे भी लोगों को अकोमोडेट किया है इन्होंने कि अगर आप कोई ड्रिंक्स वगैरह पीना चाहते हैं तो यू कैन पुट इट हियर। सो जालियां सी, पीछे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ शफाफ कंडीशन में। जिस बंदे ने रखी है ना, उसे मेरा ख्याल है शीशे ऊपर करके ही चलाइए, हमेशा धूल धब्बा कम ही नज़र आएगा आपको। रीडिंग लाइट है, आपको एक यहाँ पे भी LED की सूरत में मिल जाएगी। LED आफ्टर मार्केट लगी हुई है इसमें, बहरहाल काम तो कर रही है, मिल रही है। चलिए जी बूट स्पेस मुलाजा करते हैं इसकी। ओहो, नीट एंड क्लीन, फर्स्ट क्लास। ठीक है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस आपको मिल जाता है, टूल किट, और नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है कि जो कि स्टील रिम के साथ आता है। ठीक है, और स्पेयर व्हील के बारे में हमेशा याद रखिएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये 80 किलोमीटर से ऊपर चलाने के लिए नहीं होता। अगेन नीट एंड क्लीन एवरी सिंगल थिंग, ये फ़ायदा होता है वन हैंड यूज़ का। सो परफेक्ट, नाइस थिंग, और कितना खामोश इंजन है। सो गाइज, अब आप लोग यकीनन वीडियो के एंड में पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसकी कीमत क्या है। जो डिमांड की जा रही है, इस्लामाबाद नंबर 313 नंबर है इसका, इसकी डिमांड की जा रही है सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपये, जो कि बारगेनेबल है। ठीक है, स्टिल आप नेगोशिएट कर सकते हैं मज़ीद, आपकी बारगेनिंग स्किल पे कितना काम करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप इन पर्सन भी आके इस खूबसूरत गाड़ी को देख सकते हैं। और वीडियो में तो आप देख ही चुके हैं, मैंने कोशिश की है हर चीज़ आपको दिखा पाऊँ इस गाड़ी की, और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी आपको दिखा दी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है आज की ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिफ्ट अब एक थम्स अप, और कार मेट पीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।